शासन के 60 घंटे के लॉकडाउन के आदेश के बाद दतिया शहर के आम बाजार दुकानें पूरी तरह बंद हैं, किंतु गलियों में, मोहल्लों में, नगर के बाहरी इलाकों में दुकानें अभी भी खुली हैं। छुटपुट सब्जी मंडी अभी खुली दिखाई दे रही है। वहीं प्रशासन के तथा कथित इंतजामों के बावजूद लोगों को बेमकसद आवागमन यथावत जारी है। कुछ लोग तो सिर्फ जायजा लेने के लिए बाहर निकल रहे हैं कि लॉकडाउन में क्या हो रहा है। सुबह सुबह नगर निरीक्षण पर निकले दतिया जिलाधीश संजय कुमार ने खुद भी लोगों को रोक कर सख्त शब्दों में समझाइश दी। चौराहे पर तैनात पुलिस कर्मियों को हर रास्ते पर बैरिकेटर्स लगाने की हिदायत दी। साथ ही यह चेतावनी भी दी गई है कि एक ही वाहन एक भी व्यक्ति बिना चेकिंग के न निकले, बिना पूछताछ किए किसी को न छोड़ा जाए। इसके बावजूद प्रमुख चौराहों पर भी सड़क रोकने के लिए बैरिकेटिंग नहीं की गई है और यहाँ नहीं आमतौर पर बेवजह घूमते अथवा मोटरसाइकिल या कार से निकलते लोगों से भी कोई पूछताछ नहीं की जा रही है। नगर के चौराहों पर और सड़कों पर जहाँ दुकानें बंद होने से सूनापन खालीपन दिखाई दे रहा है, वहीं रोज की तरह दन दनाते हुए कार, ट्रक, टैक्सी, मोटरसाइकिल आदि वाहन लॉकडाउन का मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। इन्हें देखकर लगता है कि या तो कोरोना वायरस इनसे डरता है या फिर प्रशासन इन्हें रोकने में पूरी तरह असहाय और असमर्थ है। दूसरी ओर शहर की सड़कों पर लॉकडाउन का उल्लंघन करते लगातार दौड़ रहे दो पहिया चार पहिया वाहनों की ओर से पूरी तरह से बेपरवाह शहर के यातायात प्रभारी दतिया नगर की आउटर सड़कों पर बाईपास की चिंता में सक्रिय हैं। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए दतिया से राजेंद्र पटवा की रिपोर्ट।